नमस्कार, मैं प्रणव कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ पीके लैब में। दोस्तों, आप सुने होंगे, हर कोई बोलता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए आपको सक्सेस पाने के लिए। मगर जैसे कि पता चल गया होगा कि पहले एपिसोड में हम आपको बताया थे कि आपके अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो आपको सक्सेस पाने में रोकता है। ठीक है, अगर उसी कीड़ों को हम थोड़ा निकाल देना, उसी को अगर थोड़ा सा ठीक कर दें, तो हमें भी सक्सेस मिल सकता है दोस्तों। सो हम पहले एपिसोड में 4 पॉइंट बात किए थे, अगर आप वो पॉइंट को नहीं सुने तो कृपया सुन लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे नए पॉइंट के बारे में। वो पहला पॉइंट होगा सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। सेल्फिशनेस क्या होता है? हर कोई इंसान जब मैं खुद के बारे में बोलना स्टार्ट करता है, तब उसको सेल्फिशनेस बोलते हैं। सेल्फिशनेस गलत नहीं है मेरे को। सेल्फिशनेस आपका कंट्री के नाम पर है, आपका सोसाइटी के नाम पर है, तब वो सेल्फिशनेस में कुछ अलग समझ आता है। मेरा देश, मेरा सोसाइटी, मेरे लोग, हम छोड़ के मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने। तो ये बहुत ही भाई सबसे घमंडी वर्ड होता है, और यही सेल्फिशनेस सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो सेल्फिशनेस रखिए, मगर खुद के लिए नहीं। जब आई वी में कन्वर्ट हो जाए तब बहुत अच्छा होता है। और ग्रीड टाइप जो पीपल होते हैं ना, नीड को तो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, नीड्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, मगर जो ग्रीड है उसको कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये मानो तो क्या सॉल्ट वाटर है, जितना भी पिए जाओ आपको प्यास उतना ज्यादा ही लगेगा। सो आपको ध्यान में रखना है कि आपका नीड है तो उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। जब तक आप ग्रीड होके चलोगे, आप आई वांट मोर, आई वांट मोर, आई वांट मोर, आप चाहोगे कि मुझे और ज्यादा, और लाइफ में कभी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, लाइफ को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। लाइफ कब जियोगे मेरे भाई? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बात है। मैं आपको इसके बारे में एक स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, वो स्टोरी एक आदमी को एक दिन बोला जाता है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप एक दिन में सूरज उगने के टाइम से जितना चलोगे, और शाम तक अगर सूरज ढलने के टाइम पे अगर उसी स्टार्टिंग पॉइंट में आप आके पहुंच जाओगे, जाओगे जितना दूर जाओ ये हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप जब मतलब सूरज डूबता जाएगा, जब डूबेगा तब के टाइम पे आप स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचना चाहिए, और इन बिटवीन जितना जमीन आप चल के जाओगे वो आपका हो जाएगा। वो लोग ने सोच लिया कि अरे यार, ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको क्यों छोड़े। ठीक है, तो वो नेक्स्ट डे क्या मॉर्निंग से निकल गया। निकलने के बाद उसके दिमाग में वही है, वो आफ्टरनून में खाने के लिए भी नहीं रुका, वो ऐसे चलता गया। वो सोचा कि अरे यार, अभी अगर नहीं करे तो कभी नहीं कर पाएंगे, आई वॉन्ट मोर, मुझे और चाहिए। इसी के चक्कर में आफ्टरनून को भी थोड़ा रेस्ट नहीं लिया, वो शाम तक चलता गया। मतलब थोड़ा लेट हो गया है आफ्टरनून में, और उसको याद आता है, अरे यार मुझे तो उसी स्टार्टिंग पॉइंट में लौटना था। तब के टाइम पे रियलाइज करने के बाद वो बहुत थक चुका है मेरे दोस्त, और जब वो लौटना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे दिखता है कि सूरज डूबता जा रहा है, वो दौड़ना स्टार्ट करता है, और इतना थक जाता है कि मेरे दोस्त उसका जान चला जाता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं पहुंच। आज वो जब मरने के टाइम पे उसको जो दफनाते, उसको एक स्क्वायर तो नहीं, रेक्टेंगल टाइप का एक थोड़ा सा जमीन चाहिए उसको दफनाने के लिए। तो ना उसको जमीन मिल पाया, ना उसका जीवन। कब और के चक्कर में आप खुद के लाइफ खो देते हो, आपको भी पता नहीं चलता। सो प्लीज, आपके अंदर अगर ये टाइप के नेचर हैं, उसको कंट्रोल कीजिए, उसको धीरे 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 उसको उम्मीद कीजिए। लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है मेरे दोस्त। जो चीज़ें हैं आपके पास, इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कीजिए, मगर ऐसा नौबत नहीं आ जाए कि मुझे और चाहिए के चक्कर में खुद को खो दो। बाद आता है लैक ऑफ कन्विक्शन, मतलब खुद के अंदर जो भरोसा होता है ना, उसमें कमी।
एक बात सोचिए, लाइफ में ऐसा कौन सा काम है जो कि आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते हो और वो काम आपने कर लिए, ऐसा कुछ है क्या? आप जाने अनजाने में जितने भी काम करते हो लाइफ में, तभी वो सक्सेस होता है या तभी आप कर पाते हो जब वो चीज के ऊपर आपका भरोसा होता है। आप तभी बल्ला पकड़ के बैटिंग कर सकते हो जब खुद के ऊपर भरोसा होगा कि यार जैसे भी बॉल है मैं उसको खेल लूंगा। आपको खेलना नहीं आता, आपके खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, आपके पीछे अगर, तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो आपके अंदर जो विश्वास होना चाहिए वो बहुत ही दृढ़ होना चाहिए, अदरवाइज आप वो काम नहीं कर पाओगे। और जब भी एक गलत काम होता है उसको अपोज करने के लिए आप पीछे हट जाते हो, क्यों पता है? आप सोचते हो कि मेरे अंदर इंटीग्रिटी है, नहीं, साइलेंट रहने का मतलब इंटीग्रिटी नहीं है। आप तभी आवाज नहीं उठाते हो जब आप सोचते हो कि यार मैं ये काम नहीं संभाल पाऊंगा या मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ये सोचते कि मैं कर सकता हूं, आप कर लेते हैं, ठीक है। एक बात बोलो, कभी नदी में अगर तैरना कभी सीखा है या कभी तैरे हो ना, तो तब आप जब भी शोध के सामने उसको फेस करके तैरना स्टार्ट करोगे तो आप थक जाओगे, राइट? अगर आपको उस पार पहुंचना है और आपको नदी पार भी करना है तो स्रोत के हिसाब से थोड़ा तैर जाओ, वो स्रोत अपने आप वहां पे लेके आपको लगा देगा। इसका मतलब है हर वक्त प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कंप्लेन नजरिए से ना देख के उसका अगर सल्यूशन भी निकाल पाए ना, वो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट होगा। सो बी ए पार्ट ऑफ सल्यूशन, ठीक है। हर कोई तो प्रॉब्लम के बारे में बोलता है भाई, सल्यूशन का पार्ट में बारे में बोलना, उसके बारे में सोचना सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। और ये तभी कर पाते हो जब आपके अंदर वो हौसला हो कि यार मैं कर सकता हूँ। और जब खुद के ऊपर भरोसा हो ना, मिराकल्स को वो लोग वेट नहीं करते, वो लोग खुद मिराकल्स क्रिएट करते हैं। दुनिया में तीन टाइप के लोग होते हैं, एक जो मिराकल्स कर जाते हैं, दो जो मिराकल्स को दिखते रहते हैं, और तीन भाई ये कैसे हुआ पूछते रहते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए आप कौन से पार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है अनविलिंग टू प्लान। बोला जाता है कि अगर आप अपने प्लान में एक सेकंड भी इन्वेस्ट किए होगे ना, वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपका 4 सेकंड। प्लानिंग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। प्लान्स आप रखो, जितना हो सके अपने पास प्लान रखो। अगर ए काम नहीं करता है तो बी है, बी काम नहीं करता है तो सी है, अगर नहीं है तो अल्फाबेट 26 है भाई, कोई भी प्लान अप्लाई कर लो, मगर प्लान्स होना बहुत ही जरूरी है। जो लोग प्लान्स को कैसे बनाते हैं नहीं जानते, वो शायद लाइफ में कहीं पीछे छूट जाएंगे। ये मैं आज आपको बोलता हूँ नहीं, ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ आपको। प्लान बहुत ही बड़ा चीज है मेरे दोस्त। अगर अनप्लान को अगर प्लान में आप बदल सकते हो तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो, ये मैं आपको आज विल्स में हाथ रख के बोलूंगा। प्लान करो, अगर प्लान अच्छे से करोगे तो एजुकेशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आपका टाइम भी सेव करेगा। सो हर किसी चीज में प्लान होना बहुत ही जरूरी है। सोचिए अगर हम एक चिकन का करी बना रहे हैं और हमारे दिमाग में ये नहीं होगा कि हम दिमाग में पहले से सोच लेते हैं, पहले वो प्याज को डालना पड़ेगा, तेल डालना पड़ेगा, उसके बाद प्याज डालना पड़ेगा, उसके बाद मसाला डालना पड़ेगा। अगर ये सारे प्लानिंग्स नहीं होते, अगर हम सोचते अरे यार पहले उसको नो चिकन को डाल देते, अनप्लान्ड वे से करते, क्या आप उस करी को खा पाओगे? नहीं ना। सिंपल
लाइफ ही वैसा ही है मेरे दोस्त। अगर एक चीज के बाद जो दूसरा चीज करना चाहिए अगर आपको नहीं पता, तो लाइफ वैसे ही टेस्टलेस हो जाएगा जैसे चिकन का। तो टेस्ट अगर पाना है तो प्लान बहुत ही जरूरी है, और टेस्ट तभी मिलेगा जब आप प्लान के हिसाब से काम करो, ठीक है। और भी सारे पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे ही आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत जल्दी मुलाकात होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।